हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो और कोई नहीं, एक दो शेयर है HDFC के जो कि स्प्लिट हुए हैं 1:10 एज वेल एज 1:100 में। इसका मतलब है अगर आपके पास एक शेयर होगा तो वो 10 हो जाएंगे, और आपके पास दूसरे शेयर का एक शेयर होगा तो वो 100 हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, 1:10 और 1:100 में स्प्लिट हुए हैं, न्यूज़ है। ओके, और वो स्प्लिट हो चुके हैं ऑलरेडी। पहली बात तो मैंने इसके रिलेटेड देखी, एक वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया भी था कि वो शेयर है बहुत बेहतरीन शेयर है पहली बात तो, और किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी मैंने आपको बताया था। और अभी तक वो शेयर शायद अलॉट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए हैं? ओके, वो हो जाएंगे, पेशेंस रखना सीखो, सबसे मेन बात है, वो आगे बात करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, बट बिफोर दैट आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार की में आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी ग्रो करने में मदद करिए, ताकि हम इसी से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लाते रहें और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। एज वेल एज नीचे दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका फ्री में डीमेट अकाउंट के लिए, एंजल ब्रोकिंग में आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका 30 डेज के लिए ट्रेडिंग फ्री हो जाएगी, मतलब कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ पर डोनेशन से रिलेटेड, तो ये श्री राम जी का जन्मभूमि का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ओके, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी सीधी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार आप जितना चाहें वहाँ डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो जिस शेयर से रिलेटेड देखिए बात हो रही है वो हो रहा है ETF से रिलेटेड। क्या है HDFC इंडेक्स फंड, मतलब ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। ओके, वो 50 कंपनीज में होते हैं, तो उसमें इक्विटी, मतलब इक्विटी नहीं, अपने हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। उनके बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, वो अपने हिसाब से उन उसमें पैसा डिवाइड करते हैं, और पैसा डिवाइड करने के बाद लगाते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो मोस्टली आपके Nifty 50 में जिस तरीके की मूवमेंट होती है उसी तरीके से मूवमेंट इसमें होती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ओके, अगर मैं ऑल टाइम का भी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको चार्ट पैटर्न, तो एक तरफ है Nifty 50 और एक तरफ है आपका HDFC का ETF। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ओके, यहाँ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ना, तो देखिए जैसे जैसे निफ्टी चल रहा है वैसे वैसे इसका ETF चल रहा है। तो यही फ़ायदा होता है इसमें लगाने का कि आप लगा दीजिए, आपको पता है कि निफ्टी एक दिन ऊपर जानी है तो ये भी ऊपर जाएगी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये बीज भी कहते हैं, Nifty 20 कहते हैं या Nifty Bank 20 कहते हैं, जिस तरीके से आप अनाउंस कर लो और ये प्रोनाउंस कर लो, और जैसे ये बढ़ता है उसी तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। अगर बैंक की मूवमेंट अच्छी इस तरीके से हो रही है तो Nifty Bank 20 की भी मूवमेंट इसी तरीके से होती है। तो ये होता है मेन। तो मैंने आपको न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर है ओके स्प्लिट हो रहा है, और स्प्लिट होके ये आपको 1:10 में स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई गलत न्यूज़ नहीं दिया पहली बात। ओके, पहले वही मैंने आपको बताया है जो है, देखिए ये है NSE। ओके, NSE तो आप जानते ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और NSE ने अगर यहाँ पर लिख दिया है, NSE में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC निफ्टी ETF, अगर यहाँ पर लिख दिया है कि ये डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है। फेस वैल्यू क्या है, जो 761 की जो फेस वैल्यू थी वो 76 की फेस वैल्यू, मतलब 1:10 में अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से तो इतना हो जाता है। तो ये 1:10 में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको जो शेयर है वो अलॉटमेंट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स डेट थी 17, इसका मतलब ये था कि आप अगर 17 तक लेते हैं तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसी रेट पे, मतलब 1600 के आसपास ये उस टाइम ट्रेड कर रहा था। अभी लगभग 1500 कुछ हो गया, क्योंकि मार्केट की गिरती है तो ये भी गिरेगा, मार्केट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। इसके अलावा ये इसके बारे में मैंने बात नहीं करी थी, ओके, ये मैंने आपको नहीं बताया था, बट आपको अभी बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी लोगों के काफ़ी दूसरे लोगों के क्वेश्चन होंगे, ओके, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले तो दिखा देता हूँ, ये है गोल्ड ETF। मतलब क्या, तो HDFC का जो ये गोल्ड का मतलब गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है। तो इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ऐसे गोल्ड का रेट बढ़ता है उसी हिसाब से ये भी मूवमेंट दिखाता है। तो आप इसमें छोटा सा पैसा लगा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। जो गोल्ड तो का भाव तो क्या 41,000 रुपये चल रहा है, सॉरी 50,000 के आसपास चल रहा है। तो ये शेयर 50,000 रुपये का नहीं है, ये शेयर केवल 49 का, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 17 तारीख तक कितने का, 42,000 रुपये के आसपास चल रहा था। ओके, 4,277 का प्राइस था, मतलब 1 ग्राम का प्राइस था ये, और जो कि अभी गिर के आपको दिख रहा होगा 41। तो इसका मतलब ये स्प्लिट हुआ है 1:100 के, जो कि मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। अगेन वी आर इन NSE साइट, ओके, कोई फेक नहीं है,
एनएससी की साइट है, एनएससी तो आपको झूठ नहीं बोलेगी, ओके, ये एक बर्थ एक्सचेंज ट्रेड फंड एक्सचेंज है, तो ये झूठ आपको नहीं बोल सकती। और यहाँ पर देख सकते हैं 17 फरवरी 2021 को ही एग्जिट थी। इसका जो फेस वैल्यू था वो स्प्लिट हो रहा था, ओके, फ्रॉम 100 यूनिट टू 1 यूनिट, तो मतलब 1:100 में ये डिवाइड हो रहा था। तो ये कोई झूठ नहीं है, और ये है कोई, मैंने आपको कि मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ने यहाँ पर कमेंट कर रखा था, एज वेल एज यहाँ पर काफ़ी लोग सेंसिबल क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे सर कब मिलेंगे कब मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको आंसर इसी वीडियो में दे दूंगा। मैंने स्पेशली उन्हें कमेंट भी किया है, बट स्टिल आई विल गिव यू द प्रॉपर आंसर कि कब मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, ये ETF है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की मूवमेंट है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं, ओके, यहाँ पर आप छोटा कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे गोल्ड भाग रहा है ना, वैसे वैसे ही ये शेयर भी आपको भागता हुआ नजर आएगा। देखिए गोल्ड के रेट के हिसाब से ये चढ़ता है, गोल्ड के रेट के हिसाब से गिरता है। यहाँ पर आप गोल्ड गिरा था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गोल्ड गिरा है, बट आपको बताना यहाँ पर ETF भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट ये स्प्लिट हो गया है फाइनली, ओके, और स्प्लिट होके इसकी जो वैल्यू थी लगभग कितनी थी, 4231 थी, और जो कि अभी 4200 के आसपास ये आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि 1:100 में ये डिवाइड हो गया है, ये स्प्लिट हो गया है, 41.2 का इसका प्राइस चल रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कोई, मैं आई एम नॉट मेकिंग यू फूल, ओके, मैं कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो मैंने गैदर करी है थ्रू दस वेबसाइट, ओके, ये मेरी कोई पर्सनल कंपनीज तो है नहीं, जो मैं अपनी अपने हिसाब से अब न्यूज़ बना के बता दूंगा। इट इज़ अ कंपनी ऑफ HDFC, ओके, HDFC की एक कंपनी है एक तरीके की, और ये जो उन्होंने NSE की साइट पे दिया है, और ये NSE की साइट पे जा चुका है, तो इसका मतलब कोई फेक नहीं है, और ये स्प्लिट हो भी चुका है, बट लोगों के अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, दिखा देता हूँ, HDFC म्यूचुअल फंड स्प्लिट वैल्यू ऑफ 3 ETFs, मतलब 3 ETFs है, उनकी वैल्यू स्प्लिट हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए ETF 1:100 में गोल्ड ETF हो रहा है, एज वेल एज जो कि 1 ग्राम का जो प्राइस था वो 0.01 ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि 1 ही ग्राम का प्राइस रहेगा, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने का मतलब है उसका प्राइस भी, प्राइस स्प्लिट हो गया, उसकी वैल्यू स्प्लिट हो गई। एज वेल एज बात की जाए, एक और यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, तो अगर जो स्प्लिट हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है ये कौन सा था, तो ये है ETF, ओके, Nifty 50 ETF जो कि स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम एक न्यूज़ देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ओके, करस्पॉन्डिंगली यूनिट होल्डर ऑफ ETF, ओके, मतलब जिनके पास ETF की एक भी यूनिट है, हुज नेम आर इन रिकॉर्ड ऑफ डिपोजिटरी एज ऑन 19 फरवरी, मतलब 19 फरवरी को, ओके, 19 फरवरी को डिपोजिटरीज होती है, आपको पता ही होगा, ओके, वहीं पर ही ये सारा का सारा रखा जाता है, जैसे कि CDSL हो गया, NSDL हो गया, आपका डिपोजिटरीज है ये दोनों की दोनों, तो उधर ही आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, BSE का NSDL हो गया और CDSL हो गया, तो ये दोनों की दोनों डिपोजिटरीज होती है, ओके, वहीं पर ही आपका सारा बही खाता होता है कि आपके व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स यू हैव, हाउ मच क्वान्टिटी यू हैव, तो वो सब कुछ आपके पास इसी इधर ही रहता है। तो ये क्या लिख रहा है, 19 फरवरी विल गेट अ प्रोपोर्शनल क्रेडिट, तो ये 19 फरवरी को प्रोपोर्शनल में क्रेडिट मतलब डिवाइड होना था, जो कि 19 फरवरी को अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर होगा तब, तो ये मिलेगा कब ये भी देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हेल्ड होल्ड 10 यूनिट, अगर आपके HDFC गोल्ड की 10 यूनिट है, योर होल्डिंग विल इंक्रीज टू 1000, ओके, 1000 यूनिट्स, जो कि 1:10 में हुआ, 1:100 में डिवाइड हुआ था, तो मतलब आपके 10 है तो 1000 हो जाएंगी, और इसी तरीके से वहाँ पर आपकी एक 10 है तो वो आपकी 100 हो जाएंगी, जो कि ETF 50 Nifty 50 ETF था। द न्यू यूनिट्स विल बी कैरीड ऑन 22 फरवरी, यहाँ पर देख लीजिए 22 फरवरी, जो कि आज 21 तारीख है, और 22 फरवरी मतलब मंडे, मतलब मंडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो कि मैंने वहाँ पर काफ़ी लोगों ने प्लीजेंटली मेरे से पूछा था, तो मैंने प्लीजेंटली उन्हें न्यूज़ देख के मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था, बट सम ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू बी सो स्मार्ट एंड दे आर टेलिंग मी आई एम मेकिंग आई एम फूल, ओके, आई एम लाइंग टू यू, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द न्यूज़, ओके, आई एम जस्ट वॉचिंग थ्रू ऑन द वेबसाइट ऑफ NSE, ओके, NSE BSE पे ये सब चीज़ ऑलरेडी बताया गया है, तो वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वही न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, और देखिए मेरे को किसी को डिग्रेड करने का कोई मोटिवेट नहीं है, मैं इसे सिंपली बोल रहा हूँ, अगर आपने कोशिश की है
कुछ शेयर आपने लिए हैं, ओके, उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, ओके, ये कंपनीज है, ये तो है नहीं कि आपने आज लिया तो आज ही, एक पर्टिकुलर डेट्स होती है, उस डेट्स के अकॉर्डिंग वो चलती है। मैंने आपको डेट ऑलरेडी नहीं बताई थी, बट मैंने आपको ये बताया कि 17 तारीख को यहाँ पर स्प्लिट होने जा रहा है, ओके, मेरी भी गलती है कि हाँ मैंने आपको पर्टिकुलर डेट नहीं बताई, बट कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर मुझे नहीं मिला, कब मिलेगा, तो आई गेव दैम आंसर, ओके, मैंने उन्हें आंसर भी किया कि इस तारीख को मिल जाएगा, वेट करिए, देखिए यहाँ पर आ चुका है तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट है, आप स्टॉक मार्केट के बिजनेस में हैं, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, जैसे कि कहते हैं ना, अगर आपने यहाँ पर पेशेंस नहीं रखा ना, तो आप इतना लॉस खाएंगे कि आप कहेंगे ये जुआ है, इट इज़ अ गैम्बल, तो ये जुआ है उन लोगों के लिए जो पेशेंस नहीं रखते, और अगर आपने पेशेंस रख लिया ना, तो आई जस्ट वॉन्ट वॉन्ट गिव यू सम नेम, ओके, जिन्होंने मल्टी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से कमाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, देखिए इनकी एज कितनी है, अगर यहाँ पर देखे जाए तो 90 ईयर्स की एज है, ओके, तो ये सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट, आपने नाम भी सुना होगा, ये सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, बिकॉज इनके पास पेशेंस है, इन्होंने ऐसे ऐसे शेयर्स इतने इतने साल होल्ड किए हैं कि आप देख नहीं सकते, वो ऐसी ऐसी कंपनी में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, $1,000 इन्वेस्ट किए थे, तो आज उस कंपनी के ये मालिक है जिसका नाम बर्कशायर हैथवे, आप एक बार पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफी तो आपको पता चलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको इंडियन इन्वेस्टर्स की बात बता दूं, तो देखिए ये राकेश झुंझुनवाला सर है, ओके, इन्होंने टाइटन को 2000 में खरीदा था, 2000 रुपीज़ में ही, 2000 ईयर चल रहा है, 2007 में मतलब ईयर में, तो आज तक होल्ड कर रहे हैं, ओके, उन्होंने पैनी स्टॉक से रिलेटेड मतलब वो 4, 5, 10, 8 रुपीज़ का होगा उस टाइम, और आज उसकी वैल्यू 14,000 है, और प्लस में स्प्लिट डिविड स्प्लिट और बोनस दिया है वो अलग है, तो उन्होंने आज तक होल्ड किया है, इसलिए उनकी इनकी जो संपत्ति है उसमें मेरे ख्याल से 5 to मतलब $1 बिलियन तो केवल टाइटन्स ने रख रखे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, आप ऐसे बिजनेस में हैं, आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सक्सेस के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जब तक आप नहीं रखेंगे तो यू कॉन्ट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन एंड यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, ओके, आपको बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंस रखिए, आपको ये ETF नहीं का शेयर नहीं मिला तो आप हड़बड़ा गए, ओके, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, गुड, अच्छी बात है, उन्हें मैंने रिप्लाई भी दिया, ओके, मैंने उन्हें बताया भी कि आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको ये डेट है, मंडे को वेट कर लीजिए, मिल जाएगा, बट सम पीपल आर टू मेक ट्राई टू बी सो स्मार्ट, ओके, कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उनके लिए मेरा रिप्लाई ये है कि आप रॉन्ग बिजनेस में हैं, आप या तो एग्जिट कर लीजिए मार्केट से, या फिर आपको पेशेंस है तो आप पेशेंस से वेट करिए, आप खुद की भी थोड़ी बहुत, अगर मैंने आपको कुछ बता दिया तो खुद की भी स्टडी कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर तो एग्जांपल दे ही दिया था कि यहाँ पर कोई, मैंने न्यूज़ जो पढ़ के बताई थी, मैंने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा था, मैंने सिंपली आपको वेबसाइट पर ले गया था NSE की, वहाँ से दिखाया था कि ये डिवाइड हो रहा है, अगर NSE में ये एक बार लिख चुका है, NSE ने यहाँ पर लिख दिया है कि हाँ यहाँ पर डिवाइड स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है तो सिंपल मतलब है स्प्लिट हो रहा है, देन यू डोंट नीड टू बी किसी के ऊपर क्वेश्चन करने की और रेज फिंगर अपॉन एनीवन, तो आपको रेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल वेट, पेशेंस, 17 तारीख है तो 2, 4, 5 दिन लगते हैं, ये पूरा कार्यक्रम होता है, उन्हें सब चीज़ देखनी पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके कोई शेयर 5, 10 शेयर नहीं है, दे हैव मिलियंस ऑफ शेयर्स, तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको जैसे कि मैंने न्यूज़ बता दिया है, मंडे मतलब कल की डेट में आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, बस 22 फरवरी यहाँ दे रखा है, ओके सर, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि तो जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो सिंपल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब बूढ़े हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो, इनकी एज 60 है, इनकी एज 90 है, तो ये सब ओल्ड हो चुके हैं, बट ओल्ड इज़ गोल्ड, इसलिए ही कहा जाता है इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ मार्केट में कमाए हैं, आप अगर इनकी देखेंगे डेली न्यूज़ तो डेली ये मतलब 14 ट्रेडिंग सेशन में 110 करोड़ रुपए कमाया है, कैन यू बिलीव दैट, नहीं ना, 14 ट्रेडिंग सेशन में ही मेड 110 करोड़ रुपए आई थिंक ही अर्न,
अगर आप न्यूज़ देखेंगे, आप मार्केट को ट्रैक करते हो, तो 110 करोड़ रुपए 14 सेशन में क्या आप कमा सकते हो? अब कहोगे कि इनके पास ज़्यादा पैसे हैं, हाँ, तो इनके 5,000 रुपये लेके ही केम इनटू द मार्केट, और नाउ ही हैज़ आई थिंक $3,500, मतलब कितना, 300 2021 में 330 करोड़ US डॉलर। तो समझ सकते हो, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपकी कैलकुलेशन पीछे रह जाएगी। मतलब 3.2 बिलियन डॉलर, यहाँ पर देखना है, 3.2 बिलियन, मतलब 21-22-23 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इनके पास है, और क्या चाहिए। एंड ही दैट्स व्हाई ही इज़ मेकिंग मनी, बिकॉज ही हैज़ पेशेंस, एंड पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, सिंपल। सो थैंक यू सो मच, ओके, गॉड ब्लेस, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ दोस्तों के साथ, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।